हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज बच्चों हम बहुत ही अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं, क्लास थ्री का जो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट है, यूनिट वन की जो फर्स्ट टॉपिक है गुड मॉर्निंग पोएम। सो आज हम गुड मॉर्निंग पोएम करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो आज इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में और इसी में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्या शुरू करें? लेट्स स्टार्ट। सो टाइटल क्या है? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम सिंगिंग वे में इस राइमिंग को, इस पोएम को करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने पोएम को बहुत एन्जॉय किया होगा गाने में। सो आप भी इसी तरह से ट्राई करेंगे घर पर, ठीक है? सो अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। सो इन दिस पोएम गर्ल इज़ विशिंग गुड मॉर्निंग। जो गर्ल आप पिक्चर में देख रहे हैं वो विश कर रही है सुबह उठने के बाद, गुड मॉर्निंग स्काई। तो उसने गुड मॉर्निंग सबसे पहले किसको विश किया है? आकाश या आसमान को। गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? शुभ प्रभात। हिंदी में क्या बोला जाता है? शुभ प्रभात। सो सबसे पहले उसने गुड मॉर्निंग स्काई मतलब आसमान को गुड मॉर्निंग बोला है। देन गुड मॉर्निंग सन, उसने जो सूरज है उसको गुड मॉर्निंग बोला है। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन। विंड्स मतलब क्या होता है बेटा? हवा। जो लिटिल विंड्स मतलब जो धीरे धीरे हवा चलती है ना, उसको उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला है गर्ल ने। सो गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, जो हवा बह रही है उसको गुड मॉर्निंग बोला है। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोला है। गुड मॉर्निंग ट्रीज, ट्रीज़ को भी गुड मॉर्निंग बोला है। सो बेसिकली अब तक क्या है? गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स एंड गुड मॉर्निंग ट्रीज। सो स्काई को, सन को, विंड्स को, बर्ड्स को, ट्रीज को, सभी को गर्ल ने क्या बोला है? गुड मॉर्निंग। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, जो क्रीपिंग ग्रास का मतलब क्या होता है बेटा? क्रीपिंग का मतलब होता है जो स्लोली स्लोली बढ़ती है ना, उसे बोला जाता है क्रीपिंग, ठीक है? जो स्लोली स्लोली मूव होती है, जो ग्रास है, जो घास है वो बढ़ती है, उसको भी उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला है ग्रास को। एंड ब्राउनी बीज, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, जो मधुमक्खियाँ होती हैं ब्राउन कलर की, उनको भी गर्ल ने क्या बोला है? गुड मॉर्निंग बोला है।
हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि ये दिन था या दिन हो गया था। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, कैसे पता चला आप लोगों को कि दिन निकल गया है। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया कि नाइट हैड गॉन अवे, कि रात चली गई है या रात हो गई है। सो आप ऊपर देख सकते हैं डे एंड नाइट बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स। डे का अपोजिट क्या वर्ड होता है बेटा, नाइट, और नाइट का अपोजिट डे। आई एम वाइड अवेक, मैं पूरी तरह से जाग गई हूँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आई एम अप नाउ टू, आई एम अप नाउ टू, अब मैं उठ भी गई हूँ, मतलब मैं खड़ी हो गई हूँ। एक तो होता है ना जागना कि हम बेड पर हैं लेकिन जागे हुए हैं, अवेक मतलब हम जाग गए बेड पर हैं लेकिन। बट आई एम अप नाउ टू, अब मैं उठ भी गई हूँ, मतलब अपने बेड से भी खड़ी हो गई हूँ। एंड आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं बाहर आकर आप लोगों के साथ खेलूँगी। सो गर्ल्स चाह रही है कि मैं उन सब के साथ खेलूँ, और उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला। बेसिकली गर्ल इज विशिंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, उसने सबको गुड मॉर्निंग बोला है, और ये अच्छी बात भी है। आप लोगों को भी सभी से गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है। विशेज करना बहुत अच्छी बात होती है, मॉर्निंग हो इवनिंग हो या नाइट हो, सभी को विशेज करना ज़रूरी है और अच्छी बात होती है। न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स, सो द टाइम ऑफ न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। सो फर्स्ट वर्ड इज क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, टू मूव स्लोली एंड केयरफुली, जो बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करता है ना, और बहुत सावधानी के साथ, दैट इज क्रीपिंग। द स्नेल वॉज क्रीपिंग ऑन द ट्री, स्नेल क्या होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बेटा, इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, घेंगा। घेंगा पेड़ पर रेंग रहा था, और जो आप देखते हैं स्नेल जो होता है बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करता है। सो द स्नेल वॉज क्रीपिंग ऑन द ट्री, स्नेल पेड़ पर रेंग रहा था। सेकेंड अवेक, अवेक मतलब नॉट एस्लीप, मतलब सोया हुआ नहीं है, मतलब जागना एक तरह से। आई वॉज वाइड अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता था। देखो नॉट एस्लीप मतलब सोया हुआ नहीं है, जागना और उठना बेटा दोनों बातें अलग हैं, ठीक है। जागना क्या है कि आप बेड पर जाग गए हैं, आपने अपनी आईज ओपन कर ली है। बट गेट अप मतलब उठना, मैंने अपने बेड को छोड़ दिया, मैं अपने बेड से खड़ा हो गया हूँ या हो गई हूँ, ठीक है। सो आई वॉज वाइड अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता था। गॉन नो लॉन्गर प्रेजेंट मतलब जो है नहीं अब, ये क्या है जो अब नहीं है। सी हैज गॉन एब्रॉड, वह विदेश चली गई, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं जो गर्ल है, ये एब्रॉड मतलब क्या है, विदेश, कोई भी देश जो अपने देश को छोड़कर, ऑल दी कंट्रीज आर एब्रॉड। अवे, अवे मतलब दूर, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस से दूरी को हम क्या बोलते हैं, अवे, अवे का मतलब होता है दूर। पुट योर बुक्स अवे, अपनी किताबों को दूर रखो, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सो नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, करें क्वेश्चन एंड आंसर्स, लेट्स स्टार्ट, रीडिंग इज फन। व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोयम हैप्पी,
पोयम में जो बच्ची है वो क्यों हैप्पी है? आंसर इज द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग। बच्ची इसलिए खुश है क्योंकि मॉर्निंग हुई है। जब उसने मॉर्निंग में स्काई देखा, सन देखा, विंड्स देखी, ट्रीज, ग्रास, तो वो हैप्पी थी, देखकर खुश हो गई। और मॉर्निंग होते ही तो सारी चीज़ें जब उसने देखी तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हैप्पी हो गई। सो द चाइल्ड इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग। सेकेंड, टू हूम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग? बच्ची ने किससे गुड मॉर्निंग बोला? किससे बोला था बेटा? द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, लिटिल विंड्स, बर्ड्स, ग्रास एंड बीज। उसने आसमान से बोला, सूरज से बोला, हवा से बोला, बर्ड से बोला, ग्रास से भी बोला एंड बीज से भी बोला। यहाँ पर ट्रीज इज मिसिंग, ट्रीज भी एक था, ट्रीज इसके साथ ट्रीज भी होना था, ठीक है? सो ट्रीज वर्ड इज मिसिंग। सो गर्ल ने सबसे बोला था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? जो गर्ल थी वो बच्चे मतलब बच्चा या बच्ची क्या चाहता था या क्या करना चाहती थी या क्या करना चाहती है? द चाइल्ड wants to go and play outside. बच्ची चाहती है जाना और बाहर जाकर खेलना। Because जब उसने बोला था ना कि मैं आ रही हूँ आप लोगों के साथ खेलने। So the child wants to go and play outside. मतलब बच्ची चाहती थी जाना बाहर जाकर खेलना। So talk time. देखते हैं, इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, सभी मॉर्निंग में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। एट नाइट आई से गुड नाइट, नाइट में क्या बोलते हैं? गुड नाइट बोलते हैं ना। अ डॉग सेज वो वो, डॉग की पर्टिकुलर हमारे जैसी तो लैंग्वेज होती नहीं है, बट डॉग्स की भी तो अपनी एक लैंग्वेज होती होगी ना। सो डॉग्स भी कुछ ना कुछ गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते होंगे। आपने देखा होगा डॉग्स भी बातें करते होंगे कभी ना कभी, ज़रूर। जो भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, वो उनके वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं। ए काऊ सेज मो मो, सो ये काऊ का साउंड है। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू, आप बेटा अपनी लैंग्वेज में जो आपकी पर्सनल मतलब मदर टंग है, जो आपकी लैंग्वेज है, उसमें आप गुड मॉर्निंग बोलिए। अपने फ्रेंड्स को बोलिए और अपने टीचर्स को। फ्रेंड्स को भी आपको गुड मॉर्निंग बोलना है अपनी लैंग्वेज में और टीचर्स को भी। हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग? जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो उन्हें कैसे विश करना चाहते हो? मतलब अपने टीचर्स को या फ्रेंड्स को जब आप स्कूल से जाते हैं, छुट्टी होती है, तो आप उन्हें किस तरह विश करना चाहते हैं वो भी उन्हें अपनी लैंग्वेज में करिए। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग। लेट्स से अलाउड, मतलब आपको जोर से बोलना है। फाइंड वर्ड्स इन द पोयम विच राइम विथ, आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स आपको पोयम में फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। बीज डे टू, सो यहाँ पे 3 वर्ड्स के राइमिंग वर्ड आपको फाइंड करना है। सो बीज का क्या हो सकता है? ट्रीज डे, अवे टू यू। देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सेम साउंड वर्ड्स, जिन वर्ड्स का सेम साउंड वाला और कोई वर्ड होता है दैट इज राइमिंग वर्ड। जैसे ट्रीज बीज, डे अवे टू यू, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। नाउ यहाँ पे देखिए सेकंड, व्हाट डू यू सी अराउंड?
What do you see around you during the day and at night? आप अपने आसपास क्या देखते हैं दिन में और रात में? Draw in the two boxes given below and color the picture. बेटा आपको यहाँ पे डे की कोई भी आप जब दिन में कोई चीज़ें देखते हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है और यहाँ नाइट वाला पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड। राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। आप जो पिक्चर्स बनाएंगे उनमें से आपको टू टू वर्ड्स लिखना है। डे के लिए यहाँ पर टू वर्ड्स लिखने हैं वन टू, और नाइट के लिए नाइट में जो आप यहाँ ड्रॉ करेंगे उसमें से आपको यहाँ लिखना है। सो ये ज़रूर जब आप करेंगे पिक्चर कर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया है। उनमें से ही टू आइटम्स का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट टीम टाइम। सो आप फ्रेंड्स के साथ ये बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। डिनर, दिस इज मड। मड क्या होता है बेटा? मिट्टी या कीचड़। यह कीचड़ है। दिस इज मड, यह कीचड़ है। अ बिग फैट वॉर्म लिव्स इन द मड। जो वॉर्म है बेटा, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, वॉर्म मतलब क्या होता है? केचुआ। एक बिग, अ बिग फैट वॉर्म, एक बड़ा मोटा केचुआ लिव्स इन द मड, वो कीचड़ में रहता है या मिट्टी में रहता है। अ लीफ फॉल्स इन द मड, एक पत्ता मिट्टी में गिर जाता है। लीव्स, लीव्स मतलब पत्ता। इट इज़ द वॉर्म्स डिनर, यह उस केचुए का क्या है बेटा? भोजन है, डिनर है, ठीक है। सॉन्ग टाइम, आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, तरा ला ला। I like to sing when the sun is shining, tra-la-la-la. So आप भी try कीजिएगा। I am not a good singer, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मुझे मालूम है, but मैं आप लोगों के लिए try करता हूँ, तो आप भी try कीजिए, parents के सामने try कीजिए इसी को, ठीक है। So like and share and subscribe this channel. Bye bye my dear students, I hope you enjoyed the video. और लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, बाय बाय।